माता रानी का दर्शन हो चुका है और यहाँ पे सब लोग खड़े हैं फोटो शूट करवाने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे मौके को हम में से कोई भी मिस नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे सब रेडी है आपके ग्रुप फोटो के लिए। ग्रुप में सारे लोग अभी नहीं है, यहाँ पे कई लोग पीछे ही रुके हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं फोटो। हट्टा रानी का, हट्टा रानी में और भी अच्छा वाटरफॉल है। हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, देखते हैं वहाँ पहुँच। तो काफी लंबी दूरी सफर तय करने के बाद अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं हट्टा रानी। बहुत दिक्कत है, कम से कम हम लोग 5-6 किलोमीटर पैदल चले हैं और मेरे चेहरा देख के, मेरे चेहरे की कंडीशन देख के पता चली पूरी तरीके से बीमार हो चुकी है, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ और इतना दूर पैदल। अभी और पता नहीं कितना दूर पैदल चलना है, देखते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हट्टा रानी वाटरफॉल, और ये कितना प्यारा है। और हर जगह की तरह यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ पे हम भी इसी इंटेंशन से आए थे, यहाँ पे हम नहाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, थोड़ा मन से करेंगे। लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है देख के, तो अब पता नहीं उसके बाद क्या डिसीजन होने वाला है कि हम नहाने वाले हैं कि नहीं। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा, और वो लड़का कहाँ बैठा है, ये लड़का वहाँ से अगर स्लिप होगा गलती से तो कहाँ जाएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर फिलहाल। अभी सब जगह का दर्शन करके हम आ चुके हैं वापस अपने बस के लिए और बस में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि बस का डीजल हो गया ख़त्म और बस का ड्राइवर हो चुका है गायब डीजल लेने के लिए। और पिछले 1.5 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और वो अभी तक नहीं आया है। और अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सब यहाँ पे बैठ चुके हैं, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। 5 किलोमीटर हम यहाँ से वहाँ गए मंदिर, वहाँ से फिर वापस आए, अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो जाके बस में बैठे, क्योंकि इतनी गर्मी है वहाँ पे। तो हम यहाँ जंगल में फंस चुके हैं। अब देखते हैं कि कब तक वो। हेलो गाइस, हमारा बस पूरा टेढ़ा हो गया है, हम गिरने वाले थे बट हम नहीं गिरे। फिर देखते हैं वो बस वाले भैया कब तक आते हैं और कब तक हम यहाँ से वापस जा पाते हैं। तब तक सिर्फ हम लोग आने जाने वाले लोगों को ही देख पा रहे हैं और बाकी हम खुद एक कदम चलने की हालत में नहीं है। तो सुबह 3 बजे से उठ के और घर से निकल कर यहाँ तक चलने वालों की हालत कुछ ऐसी है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची है। हमारी बस है, जिसको भी उधर जाना है, इन लोगों को भी उधर ही जाना है, और इसको भी उधर ही जाना है, और उधर भी गाड़ी बहुत सारी है, इधर भी गाड़ियों की लाइन लगी है पूरे दूर दूर तक। और फाइनली हमारी बस हो चुकी है तैयार, इसमें हम बैठ के और निकलने वाले हैं। 6 बजे से 10 बजे की यात्रा पूरी करने के बाद अभी हम आ चुके हैं ढाबा में कुछ खाने, और हमारे सामने आ चुकी है थाली। तो मैं और निक्की शेयर कर रहे हैं एक ही थाली में, क्योंकि हमें हमेशा एक ही साथ खाने की आदत है। तो यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं और हम लोग के लिए तो थालियाँ आ चुकी हैं। वैष्णवी शर्मा रही हैं, देखिए कि वो अकेले एक थाली में खा रही है, इसलिए बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी थाली आ चुकी है हमारे सामने, तो अब हम करते हैं खाने की शुरुआत, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी घर में पहुंचना है। तो फाइनली 19 घंटे के एक लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर।